मैं इसलिए बातों को कह रहा हूँ कि छह बार के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी जो रोहू मैंने हुआ उस राज विधानसभा क्षेत्र में चार बार में अब जाकर के देख के आइए। मैं रोडर को आ गया था जो रोड विधानसभा क्षेत्र के हिस्से है। अब आप अंदाजा लगाइए वहां की स्थिति क्या है। मैंने वहां पर 45-46 करोड़ रुपए मैंने सड़क के निर्माण के लिए दे रखा है। पिता की डोडरा के बाद की सड़क हमारी पक्की बन जाए। बहुत मुश्किल से अभी हम पिछले दो साल पहले जो हम डोडरा के बाद को सड़क से जोड़ पाए, वीरभद्र सिंह जी नहीं जोड़ पाए थे, वो तो अपने आप हेलीकॉप्टर से ही जाते थे, लेकिन हमने वहां पर डोडरा क्वार को सड़क से जोड़ दिया है, जंक्शन से होकर के आगे और आगे अब आने वाले समय में हम उत्तराखंड से उसको जोड़ते 14 किलोमीटर रह गया। ये सब तब हो रहा है जब आप लोगों का साथ रहा। आज नरेंद्र मोदी जी को 7.5 साल हो गए प्रधानमंत्री के पद पर, एक उंगली तक नहीं उठा पाया कोई आदमी उनके इस पर कि भाई उन्होंने एक पैसे की कोई, नहीं तो यहां कॉम्पिटिशन होता था। 1,86,000 करोड़ का घोटाला, 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला, ये स्थिति होती थी। अब ये बातें हमने कहेंगे तो कब कहेंगे। और यही स्थिति है कि जिसके कारण पूरे देश भर में कांग्रेस समाप्त हो गई, और यही कारण है कि आज ये महंगाई के दौर देख रहे हैं हम, बेरोजगारी के दौर रखे क्यों, जिस प्रकार की लूट होती थी कांग्रेस के सरकारों में लंबे समय तक चलती रही, उसका नुकसान बहुत हुआ देश को। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिला है। वो देश के तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी छवि एक विश्व नेता के रूप में पूरी दुनिया भर में बनी है। अमेरिका के एक प्रेस्टीजियस मैगजीन में सर्वेक्षण होता है, उस सर्वेक्षण में कौन सबसे मजबूत नेता, देश का लोकप्रिय नेता कौन है, पूरी दुनिया का सर्वेक्षण होता है, तो नरेंद्र भाई मोदी जी उस पर पहले स्थान पर आते हैं।